ये सुपर एक्साइटेड एस्पिरेंट होते हैं इनको लट से कि किसी ने बोल दिया कोई अच्छा बच्चा तैयारी कर रहा है कि मैंने एक डायग्राम बना दिया या फिर मैंने ये चीज़ की एग्ज़ाम में और वो एक्साइटमेंट वो वही चीज़ फॉलो करते हैं फिर थोड़े टाइम के बाद किसी ने कुछ और बोल दिया कि नहीं इस ये करने से मार्क्स आते हैं तो वो वो चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बेसिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन और क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्या चीज़ें इनके लिए सूटेबल हैं ये एक्साइटमेंट में वही चीज़ फॉलो करते हैं तीसरे टाइप के एस्पिरेंट होते हैं लाइन टाइप के शेयर दुनिया कुछ भी कर रही हो चाहे वो सही हो चाहे गलत हो इनको कुछ मतलब नहीं है ये अपनी चाल चलते रहते हैं द फोर्थ काइंड ऑफ एस्पिरेंट इज़ ईगल ईगल एज अगर आप स्पीसीज देखोगे तो ईगल को जब शिकार करना होता है तो वो कई बार महीनों तक अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है और जब वो अटैक करता है तो उसका अटैक यू नो रेयरली यू नो इज़ अटैक फेल्स क्योंकि वो सब कुछ समझता है तो इसी तरह एज एन एस्पिरेंट भी जो ये एस्पिरेंट होते हैं ये अपनी तैयारी को पूरा फोकस करते हैं बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं एंड जब वो चीज़ें अटैम्प्ट कर रहे होते हैं जब चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं तो आई वुड सजेस्ट बी एन ईगल रेदर देन अदर काइंड ऑफ एस्पिरेंट सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है यू नो वॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन विल आस्क यू टू डू कोई भी क्वेश्चन देखोगे अगर आप तो वो आपसे क्या बोलता है क्या करना है तो सिंपली अगर डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन विल आइदली यू नो आर आस्क यू फॉर अ फैक्चुअल रिकॉल वो बोलेगा किसी फैक्ट को रिकॉल करने के लिए स्टेट डिफाइन आउटलाइन सर्टेन लाइक थिंग्स लाइक दैट या फिर आपको वो एनालिसिस करने के लिए बोलेगा एनालिसिस इज बेसिकली यू नो एस्टैब्लिशिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जामिनिंग द इंटर बिटवीन टू टॉपिक्स कंपेयर कंट्रास्ट सच काइंड ऑफ थिंग ये एनालिसिस के पार्ट में आते हैं और क्वेश्चन विल आस्क यू टू डू सिंथेसिस सिंथेसिस इज बेसिकली एप्लीकेशन यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी यू you नो know, जो वैल्यू है या फिर कोई भी टास्क uh, है वो कैसे अप्लाई हो रहा है उसके बारे में पूछा जाए इंडिकेटिव वर्ड इज जस्टिफाई शो इलुस्ट्रेट सच काइंड ऑफ थिंग्स आर सिंथेसिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको एप्लीकेशन पार्ट को दिखाना है एंड फोर्थ पार्ट इज ओपिनियन मेन्स के क्वेश्चन भी देखेंगे आप तो आपसे पूछा जाएगा डू यू एग्री डू यू एग्री विद दिस ओपिनियन वॉट इज योर ओपिनियन वॉट इज वॉट इज योर सजेशन इस टाइप के क्वेश्चन मेन्स में भी आते रहते हैं अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है तो बेसिकली दीज आर द फोर थिंग्स विच आ क्वेश्चन विल आस्क यू टू डू ओके एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन का ये क्वेश्चन है द फर्स्ट इज एनरेट द इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेज विच हैज बीन सब्स्यूम्ड इन गुड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया दिस इज अ फैक्चुअल रिकॉल काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको सिंपली लिस्ट डाउन करना है कि क्या क्या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसको गुड्स एंड यू नो सर्विसेज टैक्स में सब्स्यूम किया गया है इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कमेंट ऑन द रेवेन्यू इंप्लीकेशन ऑफ जी एस टी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस जुलाई टू This comes दिस कम्स अंडर सिंथेसिस प्लस ओपिनियन तो क्वेश्चन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सच थिंग्स ऑल्सो एक क्वेश्चन हो सकता है आपको चार चीजें करने के लिए बोल दे आपको दो चीजें करने के लिए बोल दे या आपको केवल फैक्चुअल recall करने के लिए बोले. It इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन में फैक्चुअल recall एज वेल एज सिंथेसिस की बात कर रहा है ये

आपको पता नहीं कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप आंसर कैसे लिख पाओगे उस चीज़ का तो फर्स्ट थिंग कोई कहीं पे भी जो भी आपका एक यू नो सिंसियर मेंटर होगा वो आपसे यही बोलेगा कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है तो आप एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो मेनी टाइम पढ़ो लेकिन क्वेश्चन समझ के ही आंसर लिखो और क्वेश्चन को समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ कि जो क्वेश्चन है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे एंड देन वी विल सी की हाउ टू यू नो अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चन एंड बिलीव मी क्वेश्चन को समझना आपके लिए पीस ऑफ केक वॉक हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के बाद सो कमिंग टू द कंपोनेंट ऑफ क्वेस्स सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज इंस्ट्रक्शन वर्ड इसको टेल वर्ड्स भी बोलते हैं यू नो इंस्ट्रक्शन वर्ब भी बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन वर्ड्स इट बेसिकली टेल्स यू वॉट यू हैव टू डू विद द क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है क्रिटिकली एनालाइज करना है डिस्कस करना है लिस्ट करना है इट विल यू नो टेल यू द एग्जामिनर वॉन्ट्स टू आस्क यू दैट पर्टिकुलर थिंग सब कुछ नहीं करना है उसमें वही चीज़ करनी है तो इंस्ट्रक्शन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड इज थीम टॉपिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो किसके किसके यू नो किस टॉपिक पे है उसका मेन थीम क्या है फॉर एग्जांपल पिछले जो एग्जांपल में हमने देखा द थीम ऑफ द टॉपिक वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी तो द क्वेश्चन वाज अराउंड जीएसटी ऑल दो अलग और भी पार्ट थे तो आंसर उसका कैसे जाएगा यू नो वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि वो उसका आंसर कैसे बिल्ड होगा थर्ड इज लिमिटिंग फैक्टर्स जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर्स और और फोकस एस्पेक्ट जनरली 150 फिफ्टी वर्ड्स या 250 फिफ्टी वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं ऐसे में हो सकता है 1200 हंड्रेड वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना हो तो सारे एस्पेक्ट नहीं लिखने हैं उसके कुछ एस्पेक्ट की बात करनी है जैसे कि जब हम जी एस टी वाला क्वेश्चन देख रहे थे सेकेंड पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके कौन से यू नो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम किए गए दैट इज फोकस एंड या फिर सेकेंड पार्ट में बोला गया था रेवेन्यू इम्प्लीकेशन के बारे में अगेन दैट इज फोकस और एस्पेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन फोर्थ इज कंटेक्स्ट स्कोप बेसिकली इट इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ओनली इट विल बी आइदर रिस्ट्रिक्टिंग और एक्सपेंडिंग दिस लिमिटिंग फैक्टर्स फर्दर वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस एस्पेक्ट वी विल डू सर्टन एक्सरसाइजेज एज वेल कि आपको ये सारे पार्ट समझ में आ जाए एंड एट द एंड वी विल डू अ कम्पलीट एनालिसिस ऑफ अ क्वेश्चन अंडरस्टैंड कि अच्छा कोई भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है विच विल हेल्प यू यू नो इन बहुत अच्छे से हेल्प करेगा ताकि आप आंसर प्लान कर सकें जब आप आंसर लिख रहे होंगे फिफ्थ पार्ट भी है व्यू पॉइंट डू यू एग्री नॉट प्रेजेंट इन ऑल क्वेश्चन बट इन सम क्वेश्चन इट इज़ प्रेजेंट, सो so, कि, किसी भी पैसे क्वेश्चन में देखेंगे तो यू नो दीज फोर पार्ट्स किसी किसी क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट मैंशन होगा अदरवाइज जनरली दीज फोर पार्ट्स आर प्रेजेंट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम दे आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ जी एस सी सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन इलेबरेट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्राम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज इसमें इलेबरेट इज इंस्ट्रक्शन वर्ड नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट इज थीम और टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इम्पैक्ट इज द लिमिटिंग फैक्टर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्राम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज इज कंटेक्सट स्कोप अभी हम इंडिव्यजुअली इन सब पे डील करेंगे एंड वी विल डू सर्टन एक्सरसाइज इंडिव्यूजअली एज वेल तो आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी दिस इज एन इंडिकेटिव एग्जाम्पल कि हाउ दिस क्वेश्चन हैज बिन ब्रोकन इन टू डिफरेंट पार्ट सो कमिंग टू द इंस्ट्रक्शन वर्ड यू नो इसको टेल वर्ड या फिर इंस्ट्रक्शन वर्ब भी बोलते हैं जैसा मैंने पहले ही बताया कि इट टेल्स यू वॉट एग्जैक्टली एग्जामिनर वॉन्ट्स यू टू डू विद द क्वेश्चन सो डिफरेंट टेल वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन वर्ड ओनली यू हैव टू राइट द आंसर फॉर एग्जाम्पल ऑफ फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन वर्ड जैसे एलिस्ट्रेट बोलता है एलिस्ट्रेट बेसिकली क्या बोलता है कि यू हैव टू मेक द आइडिया क्लियर एंड एक्सप्लिसिट और इसका एक यू नो जनरली इट रिक्वायर्स एग्जाम्पल टूट बिकॉज यू हैव टू एलिस्ट्रेट दैट थिंग सो यू नो जब भी एक क्वेश्चन में एलिस्ट्रेट हो तो आपको ये चीज़ करनी है कमेंट की बात करें तो कमेंट बेसिकली इट हैज़ टू जज द वैल्यू कोई पर्टिकुलर जजमेंट या वैल्यू दी होगी एंड यू हैव टू जज बेसिकली वेदर दैट वैल्यू इज राइट और आपका ओपिनियन उस पर क्या है फॉर दैट एविडेंस बैग्ड प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू यू हैव टू मेक योर जजमेंट क्लियर यू हैव टू सारे प्रोज सारे कॉन्स ये सारी चीज़ें भी आपको एनालाइज करना है टिल यू एक्सप्लेन you know, की वॉट योर जजमेंट इज एंड हाउ यू परसिव पर्टिकुलरली दैट थिंग दिस इज जस्ट इंडिकेटिव एग्जाम्पल बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वर्ड है मैंने कुछ ही इंस्ट्रक्शन वर्ड लिए हैं यहाँ पे इनको जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल यू कैन वॉच इट ऑन द स्क्रीन कि डिस्क्रिप्टिव टेल वर्ड क्या है या इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या है और क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड या टेल वर्ड को इन डिटेल मिसेज रुचिका भारद्वाज मैम विल डिस्कस यू नो इन द नेक्स्ट क्लास सो एक्जैक्टली ईच इंस्ट्रक्शन वर्ड वॉट डज इट मीन हाउ इट इज अंडरस्टूड इन टर्म्स इन कंटेक्सट ऑफ क्वेश्चन इन सब के बारे में मैम विल भी डीलिंग सो मैं इसके बाद ईच एंड एवरी वर्ड के उसमें नहीं जा रहा हूँ बट इन जनरल कैसे डिविजन हो रहा है एंड वॉट रोल इट प्लेज इन द क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड इट अगेन इंस्ट्रक्शन वर्ड के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शन वर्ड आपको मिलेगा नहीं आप क्वेश्चन देखोगे तो इसलिए अल्टरनेटिव टू इंस्ट्रक्शन वर्ड समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर वांट यू टू डू समथिंग वो आपको कुछ भी जो क्वेश्चन दिया है ही वॉन्ट्स यू टू डू सर्टन थिंग्स विद डैट क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन वर्ड उस चीज़ को डिफाइन करता है लेकिन बहुत बार आप पाएंगे कि इंस्ट्रक्शन वर्ड है ही नहीं जो हमने पढ़े हैं हमें हमें लिस्ट दी गई थी पचास इंस्ट्रक्शन वर्ड की और उसमें तो ये क्वेश्चन में है ही नहीं वो चीज़ इसलिए अल्टरनेटिव टू इंस्ट्रक्शन वर्ड समझना बहुत जरूरी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेट से कि किसी एग्जामिनर को ही वॉन्ट्स टू नो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग क्या है किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानना चाहता है तो अगर वो डिफाइन लिख देगा तो यू मे और मे नॉट राइट द डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग लेकिन अगर आपने यू नो डेफिनेशन लिख दिया कि गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग सो यू हैव टू राइट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ओके सो जनरली जब ये इसको यूज करते हैं तो इंस्ट्रक्शन वर्ड जो कोई एग्जामिनर पूछना चाहता है उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा होता है इसलिए इसको इस फॉर्म में यूज किया जाता है सेकेंड है यू you नो know, जब इंस्ट्रक्शन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है जब आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शन बारे में पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि व्हाट आर इंस्ट्रक्शन वर्ड मींस। लेकिन कई बार वो इंस्ट्रक्शन वर्ड गायब करके उसका मीनिंग डाल देंगे एंड इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वर्ड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट हो रहा है आप जो इंस्ट्रक्शन वर्ड है उसमें आपको हाउ नहीं मिलेगा कि आपको हाउ भी पढ़ाया जा रहा है कि हाउ वॉट इट मीन लेकिन कोई भी क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली इट वॉन्ट्स टू यू टू डिस्क्राइब द प्रोसेस सिमिलरली अगर जो क्वेश्चन है अगर हाउ इम्पॉर्टेंट पूछा गया है उ इम्पोर्टेंट तो बेसिकली हैव टू डिस्कसॉर्टेंस वॉट आर पूछा गया तो बेसिकली यू हैव टू डिस्कस की यू नो इसका आउटलाइन बेसिकली आपको यू हैव टू स्टेट और आउटलाइन या यह डिस्क्राइब करना है उस पर्टिकुलर चीज को अब यूपीएससी में यह चीज बहुत प्रिवलेंट है इसलिए अगेन कमिंग टू जी एस थ्री सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन यू कैन सी द क्वेश्चन इज हाउ इज बेसिकली इट इज आस्किंग द प्रोसेस कि वॉट इज द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सिमिलरली वॉट आर तो अगेन ये इट वॉन्ट्स टू टू लिस्ट डाउन और आउटलाइन बेसिकली जो कि गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया वॉट इज अगेन दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ड विच आस्क यू टू डू सर्टेन थिंग एंड दीज आर ऑल यू पी एस सी सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड वैन यू विल एनालाइज यू विल फाइंड कि बहुत सारे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन वर्ड दिए हैं बहुत सारे में नहीं दिए राइट right? लेकिन अगेन द क्वेश्चन में जो एग्जामर है ही वॉन्ट्स यू टू डू सर्टन थिंग तो चाहे वो एक्सप्लिसिटली मैंशन हो इंस्ट्रक्शन वर्ड या इम्प्लिसिट तरीके से हो वो मैंशन जरूर होगा इसलिए अंडर अल्टरनेटिव टू तो, इंस्ट्रक्शन वर्ड समझना बहुत जरूरी है अगेन कमिंग टू इनडायरेक्ट क्वेश्चनस जो लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पता होगा यूपीएससी भी बहुत यूज़ करता है इस चीज़ को कि वो डायरेक्टली के बजाय इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ अब आप, आप बोलेंगे कि इसमें तो जो इंस्ट्रक्शन वर्ड है वह एक्सप्लेन लेकिन एक्सप्लेन हाउ का मीनिंग कुछ और हो जाएगा जब डिटेल में एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे फर्दर फैकल्टीज जो जीएस के टॉपिक लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो उठाएंगे वो बताएंगे कि एक्सप्लेन हाउ में आपको कैसे आंसर लिखना है सिमिलरली आपसे पूछा आइडेंटिफाई वेन या फिर पूछ लिया डिस्कस द रीज़न तो चांस ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर क्योंकि आप तो सोचोगे टेल वर्ड डिस्कस है बट डिस्कस द रीज़न ये जब क्रिएट किया जाता है तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इसको आपको पैराफ्रेज करना पड़ेगा और एग्जैक्टली डिफाइन यू नो डिसाइफर करना पड़ेगा कि व्हाट डज इट मीन सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो अगेन इन कमिंग टू दिस इनडायरेक्ट क्वेश्चन ओनली जो हाउ टाइप के क्वेश्चन है उसका स्पेशल केयर रखना है यूपीएससी बहुत पूछता है कि हाउ प्लस समथिंग हाउ प्लस दैट थिंग इसलिए कुछ चीजें जो के पेपर से मैंने देखी है उसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है पहला है हाउ प्लस एडजेक्टिव क्वेश्चन आया गया सी एस में हाउ फार अब इसमें इंस्ट्रक्शन वर्ड तो है नहीं आप इस चीज को कैसे यू नो टैकल करेंगे तो इन जनरली जब भी हाउ फार आता है तो इट मीन्स यू नो टू व्हाट एक्सटेंट बिकॉज हाउ फार का मतलब ये है कि यू uh, नो you know, वो जीरो टू हंड्रेड तक किसी भी कॉन्टीन्यू हमें एग्जिस्ट कर सकता है तो इसको अगर हम पैराफ्रेस करेंगे तो इट कम्स टू टू वाट एक्सटेंट तो अगर क्वेश्चन ये है हाउ फार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज़ हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन तो इसको हम टू वाट एक्सटेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम इसको पढ़ें

कर सकते हो एक चीज और होती है डिलेड एग्जेक्टिव की डिलेड एब्जेक्टिव से भी हाउ के मीनिंग चेंज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर विंड टर्बाइंस विद इन द नेशनल एनर्जी पॉलिसी एक्सप्लेन हाउ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है तो ये टू तो वॉट एक्सटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जस्ट इसके बाद है इसमें बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन यू हैव टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे तो इट बिकम्स एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ विंड टर्बाइन विद इन अ नेशनल एनर्जी पॉलिसी या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया हाउ आर द विंड टर्बाइन इम्पॉर्टेंट अगेन हाउ प्लस इंपॉर्टेंट का कॉम्बिनेशन है लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इज अ डिलेड एग्जेक्टिव बीच में कुछ वर्ड्स आ गए और इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया तो इत, इसका मीनिंग क्या होगा कि बेसिकली यू हैव टू डिस्कस और इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट कि जो है इवेल्युएट यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ विंड टर्बाइन विद इन द नेशनल एनर्जी पॉलिसी अगर इस क्वेश्चन को रिफ्रेश किया जाए तो इसका मीनिंग ये रहेगा लेट सी यू नो सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ड्स अगेन एन सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन के मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए सी यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किए गए हैं एनुमरेट एंड कमेंट द सेकेंड क्वेश्चन डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेज जे डी पी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गूमेंट तो अगेन यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन वर्ड दिए गए हैं हाउ फार हमने देखा ही है इलेबरेट डिफाइन एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ वर्ड इट इज ईजी टू यू नो आइडेंटिफाई लेकिन आगे जब मैंने आपसे बात की थी कि जो इंस्ट्रक्शन वर्ड जहां पे मेंशन नहीं है जहां पे आपको खुद डिसाइफर करना है या फिर यू नो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको खुद से जो है ना देखना पड़ेगा जैसे कि हाउ फार है यहाँ पे आपको जो टेल वर्ड्स की लिस्ट दी जाएगी जो पढ़ाया जाएगा तो मे बी वहाँ पे हाउ फार मैंशन ना हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाउ फार का मतलब क्या है इट इज आस्किंग यू टू वाट एक्सटेंट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट हमने चार पार्ट की बात की थी इंस्ट्रक्शन वर्ब थीम टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर्स और कंटेक्स्ट तो ये चार एस्पेक्ट हैं तो सेकंड पार्ट है थीम या टॉपिक ये सबसे इजी होता है आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन देखते ही आप बोलोगे यार क्वेश्चन इसके बारे में है यू you नो know, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है बट हमेशा ही ध्यान रखो कि जो है उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड और कॉन्टेक्स्ट भी है तो कई बार होता है कि जोश में कई सारे होते हैं ना वो रैबिट टाइप एस्पिरेंट कि अच्छा क्वेश्चन आ गया अब मैंने 1857 का रिवोल्यूशन पढ़ा है अब क्वेश्चन इज अबाउट 1857 फिफ्टी रिवोल्यूशन तो 1857 फिफ्टी को जो है टू फिफ्टी वर्ड्स की जगह 500 हंड्रेड वर्ड्स में लिख दिया तो इन नो यू डोंट हैव टू डू दैट पूरे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई और यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के चांसेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स से मैं मिलाऊँगी कि अरे क्वेश्चन कुछ और पूछा था बट बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट कि ये टॉपिक उनको आता है क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कुछ और ही लिख दिया अगेन कमिंग टू दैट एग्जाम्पल ऑनली कि इलेबरेट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज तो यहाँ पे जो नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट है दिस इज द थीम और टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन विल सी सर्टेन मोर एग्जाम्पल्स तो आपको क्लियर हो जाएगा GS3 you can थ्री के एग्जाम्पल्स लिएक इट जीएसन टी एस ऑप्शन टू ऑल द सेशन ऑफ जीएस एंड क्वेश्चन में देखोगे तो ये सारे एस्पेक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर वन था यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज द थीम और टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वॉज द यू नो टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर यू नो विश्वेश्वरैयाया एंड एम एस स्वामीनाथन दिस वॉज द टॉपिक ऑफ दिस फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ़ जी एस थ्री सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन वॉज द टॉपिक ऑफ़ दिस क्वेश्चन अगेन दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन जी एस थ्री सो यू कैन सी कि बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना कि थीम और टॉपिक क्या है और जो चीज़ ईजी होती है वहीं गलतियां ज्यादा करते हैं है ना इट इज सेट दैट कि लोग किनारे पे ज्यादा डूबते हैं रेदर देन गहराई में तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू यू नो गेट एक्साइटेड एंड यू नो राइट ऑल द थिंग्स की जब आप इस टॉपिक के बारे में जो जानते हो कमिंग टू द थर्ड पार्ट लिमिटिंग फैक्टर्स रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड्स और एस्पेक्ट सो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन तो वो कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स डाल देता है या कुछ रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड डाल देता है कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में डाल देता है तो so क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्ट्रिक्शन या यू नो लिमिटेशंस है क्या जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ जी जी एस टी वॉज द थीम जी एस टी वॉज द मेन टॉपिक लेकिन उसका रेवेन्यू इम्प्लीकेशन क्या है इट वॉज द एस्पेक्ट ऑन विच द क्वेश्चन वॉज आस्ट सो जब आप आंसर लिख रहे हो तो यू हैव टू रीड यू नो रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड या लिमिटिंग फैक्टर्स अलॉन्ग विद मेन टॉपिक टू नेरो डाउन कि आपको आंसर कहाँ पर लिखना है अदरवाइज यू नो जी एस टी पे तो थाउजेंड uh, वर्ड क्या बोलते हैं फाइव थाउजेंड वर्ड का आर्टिकल भी लिखा जा सकता है दे इज नो एंड एज सच टू राइट एनीथिंग अबाउट जी एस टी लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर स्पेसिफिकली रेवेन्यू एम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपके जो डिमांड है बेसिकली क्वेश्चन की उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करोगे और उस चीज़ में हेल्प करेगा आपको लिमिटिंग फैक्टर या एस्पेक्ट अगेन यहाँ रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड और जो कंटेक्स्टर फोकस है उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप घर पे टेक आउट द क्वेश्चन ऑफ़ यू प्रीवियस ईयर पेपर आप लो 2019 के लो 18 के लो एंड ट्राई टू यू नो हाईलाइट दोज थिंग्स कि इसमें इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या है इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसमें थीम या टॉपिक क्या है जब ये आप ब्रेक डाउन कर लोगे ये यू you नो know, तोड़ लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा था एंड इट इज़ वेरी ईजी इट बिकम्स वेरी ईजी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगेन ये कितना हेल्पफुल है या बेनिफिशियल है ये इस एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के नॉट ऑल इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट अगेन ये इम्पैक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ठीक है तो इम्पैक्ट इज द लिमिटिंग फैक्टर और यू नो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन हाउ वज़ इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ सर एम एस विश्वेश्वर्या एंड एम एस स्वामीनाथन इसमें जो कंट्रीब्यूशन क्या सारे कंट्रीब्यूशन नहीं उनके जो सोच हो सकता है कि सोशल डायमेंशन में भी कंट्रीब्यूट किया हो पॉलिटिकल डायमेंशन में भी कंट्रीब्यूट किया हो बट द क्वेश्चन इज आस्किंग इन द फील्ड्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल साइंस रिस्पेक्टिवली ठीक है तो इस एस्पेक्ट पर लिखना है लोग बोलते हैं यूपीएससी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड ऑल सस थ और कई बार वो आंसर शीट भी नहीं देते हैं सपोज दैट कि उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी होती यू you नो know, ये रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर नहीं होता कि इन द फील्ड्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल साइंस रिस्पेक्टिवली तो 250 फिफ्टी वर्ड्स आप सोचिए कि आप किस किस तरीके से लिख सकते हो इनफैक्ट आपको खुद कन्फ्यूजन होगा कि यार लिखना क्या है कि क्या कंट्रीब्यूशन है एम एस विश्वेश्वर्या और ये एम एस स्वामीनाथन और सर एम विश्वेश्वर्या के तो आप कुछ भी लिखोगे सारे डायमेंशनस लिखोगे जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिखोगे जो नॉट इंपॉर्टेंट है वो भी लिखोगे सो so, ये रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड आपका नेट ऑन कर देता है फोकस और एग्जामिनर का भी यू you नो know, वो काफ़ी जो मेंटल प्रेशर है कम करता है उसको भी पता है कि उसने अच्छा यही पूछा है और स्टूडेंट्स उसी डायरेक्शन में आंसर लिख रहे हैं कमिंग टू द लास्ट सेक्शन फोकस कॉन्टेक्स्ट या स्कोप बेसिकली जनरली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बट इस पार्ट को मैंने स्पेसिफिकली मैंशन किया हुआ है बिकॉज यूपीएससी में कई बार ये एक्सपेंडेड रिस्ट्रिक्शंस या एक्सपेंडेड लिमिटेशंस होते हैं तो <coughs> तो स्लाइट वेरिएशन के साथ लिमिटिंग फैक्टर्स के दीज आर यूज्ड हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या बेसिकली कंटेक्सट या फोकस है नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन उ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो इसका कंटेक्स क्या है किस कंटेक्स में इस थीम टॉपिक और रिस्ट्रिक्टिंग टॉपिक की बात कर रहे हैं बेसिकली सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन राइट तो दिस इज द फोकस स्कोप या कंटेक्सट ऑफ द क्वेश्चन तो इसी स्कोप में आपको लिखना है आंसर सिमिलरली इलेबरेट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्राम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज इसका फोकस या स्कोप क्या है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्राम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज अगेन इस इस क्वेश्चन में देखेंगे तो स्पेस प्रोग्राम इज द स्कोप या फोकस है इस क्वेश्चन का एंड जो लास्ट क्वेश्चन है सी कोस्टल एंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल पोज इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेड टू आवर एनवायरमेंट तो अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट एज वेल एज फर्स्ट लाइन है विलकम टू दैट ये दीज आर द फोकस या कॉन्टेक्सट ऑफ द क्वेश्चन सो इस पर हम डिटेल में देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन फ्रेजेस के बारे में क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेजेज यूज करते हैं दे विल गिव यू अ स्टेटमेंट दे गिव यू कोट और उसके बाद क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली वॉट इट इज इट इज अ कंटेक्सट ऑफ द क्वेश्चन वो फ्रेज के फॉर्म में दिया हुआ है इट इज़ देयर टू गाइड यू कि आपको किस डायरेक्शन में आंसर लिखना है राइट right? सो so, हमेशा जब भी फ्रेज दिया हो तो वो बेस यू नो फेज को कई बार आप रिमूव कर देंगे <coughs> तो भी आंसर लिखा जा सकता है लेकिन इन जनरल इट विल गाइड यू कि अच्छा इसी डायरेक्शन में ही क्वेश्चन है आप मतलब क्वेश्चन को सही सम, समझ समझ रहे हो जैसे क्वेश्चन है कि वलरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल अब ये वलनरेबिलिटी इज अ ब्रॉड टॉपिक लेकिन यहाँ जो फर्स्ट फ्रेज है ये डिजास्टर इंपैक्ट एंड थ्रेट टू पीपल की बात कर रहे हैं एंड जब क्वेश्चन देखोगे कि हाउ एंड इन वट वेज कैन वलनेबिलिटी टू डिजास्टर कैन बी फर्स्ट पार्ट एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वलनबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर तो ये बिल्कुल एम्फेसाइज कर रहा है कि यू हैव टू राइट वलनरेबिलिटी इन कंटेक्सट ऑफ डिजास्टर्स ऑनली आपको वलनेबिलिटी अदर फैक्टर्स में नहीं करना है डिफाइंड सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेज तो ये चीज ध्यान रखना है कई लोग कोशिश करते हैं कि इस फ्रेज को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए तो वॉट हैपन्स इज कि आंसर टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा इट इज देयर टू क्लेरिफाई इट इज देयर टू गाइड इट इज यूज एस कंटेक्स्ट फॉर द आंसर सो दिस इज एंड बिलीव बहुत सारे क्वेश्चन हैं इफ यू सी जहां पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज जो है वो फ्रेज है ओके यू यू कैन सी दिस इज जी अगेन जीएस थ्री सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन क्वेश्चन मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए और भी एग्जाम्पल्स है जहां पे फर्स्ट पार्ट जो है वो फ्रेज है जो कि विच विल बी यूज एस कंटेक्स्ट और क्लैरिफाइंग किस डायरेक्शन में क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन एंड सी हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन लाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन पॉज एंड अंडरस्टैंड वी विल मूव नेक्स्ट टू नेक्स्ट नौ अब हमने चार पार्ट पढ़ लिए क्वेश्चंस के दे आर फोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसको चार पार्ट में तोड़ के एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सो लेट्स सी की फर्स्ट क्वेश्चन हाउ फार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया तो इसको अगर हम देखें तो अगेन हमने डिस्कस किया था हाउ फार इट इज द इंस्ट्रक्शन वर्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज बेसिकली थीम और टॉपिक हेल्पफुल इज द रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर एंड सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज द फोकस और स्कोप ऑफ द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को पैराफेस करें अगर हम समझने की कोशिश करें तो वॉट वी हैव डू टू इज हमें ये बताना है कि टू वॉट एक्सटेंट आई एफ एस या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम टू वाट एक्सटेंट इट इज हेल्पफुल किस चीज में हेल्पफुल सारी चीजों में नहीं राइट अबाउट ईच एंड एवरी थिंग अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसका हेल्प सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कैसे हो रहा है ओके सो दिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज दिस थिंग अगेन सेट सेकेंड पार्ट देखेंगे हाउ वॉज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर स्वामीनाथन इन द फील्ड्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल साइंस इंस्ट्रक्शन वर्ड थीम टॉपिक रिस्ट्रिक्शन फोकस स्कोप तो हम जब कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं uh, तो हम कंट्रीब्यूशन ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर स्वामीनाथन इन फील्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल साइंस के रेस्पेक्ट में ही कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं और ये कंट्रीब्यूशन इंडिया को कैसे बेनिफिट पहुंचाए उसके रेस्पेक्ट में पूरा आपको आंसर लिखना है एंड हाउ वॉज बेसिकली यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रोसेस सो इस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक करके यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू विल बी राइटिंग यू नो टेंजेंशियली हो सकता है कि क्वेश्चन की एग्जैक्टली exactly जो पूछा गया है जो एग्जामिनर जानना चाहता है जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता है वो आंसर आप ना लिख पाओ सो यू नो वट आई विल सजेस्ट यू टू डू द एक्सरसाइज एट होम 2019 के पेपर ले लो 2019 में जीएस पेपर ले लो ऑप्शनल पेपर ले लो 18 के पेपर ले लो 17 के पेपर ले लो एंड ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड उसमें भी अगर कुछ इश्यू आता है तो वी विल डिस्कस इट वन टू वन और ऑनलाइन और जो लोग इन राजेंद्र नगर में इन पर्सन आके भी डिस्कस कर सकते हैं विद प्रॉपर कोविड केयर तो वी विल डिस्कस ऑल सच थिंग टू डू प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस सेक्शन सो दिस पार्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन दिस वॉज द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कंक्लूजन पार्ट वी विल डील इन दिस आंसर बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ प्लानिंग द आंसर तो, so, part, question, because, uh, तो हम कंक्लूजन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में